माय हीरो एकेडमिया की थर्ड मूवी आने वाली है, और अभी इसका एक छोटा सा ट्रेलर, ट्रेलर तो नहीं कहूंगा उसको, टीजर, टीजर ही कहना ज्यादा अच्छा होगा, 40-45 सेकंड का एक टीजर रिलीज किया गया है। और माय हीरो एकेडमिया का अभी फिफ्थ सीजन भी आने वाला है, मतलब माय हीरो एकेडमिया के जो मेकर्स हैं वो फुल फॉर्म में हैं कि भैया तुम सीरीज लो और साथ ही साथ मूवी भी लो। पर अगर आप अनजान है माय हीरो एकेडमिया के एनिमे से, तो मैं आपको थोड़ा सा क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ। एक ऐसा वर्ल्ड है जहां पर लोगों के पास पावर आ चुकी है, 80% से ज़्यादा लोग हैं उनके पास पावर है, और कुछ जो 20% लोग हैं जिनके पास कोई पावर नहीं है वो नॉर्मल है। अब वो अब नॉर्मल देख के जाने लगे कि भैया ये इंसान नॉर्मल नहीं है जिनके पास पावर नहीं, तो कुछ ऐसा माहौल सा इसमें बन गया। और वहीं पर एक लड़का होता है डेकू, जिसके पास पावर नहीं होती और वो हीरो बनना चाहता है, उसके अंदर अंदर से इच्छा होती है कि यार मैं भी हीरो बनूँ, मैं भी लोगों को बचाऊँ। तो वहाँ एक ऑल माइट, जो इस पूरी एनिमे सीरीज में ऐसा समझ लो कि जो सबसे ताकतवर है, पूरी एनिमे सीरीज मैंने नहीं देखी, मैंने इसके 3 सीजन ही देखे हैं, जहाँ तक मुझे पता चला कि एनिमे अब इस सीरीज में अब तक ऑल माइट ही सबसे पावरफुल निकल कर आ रहा है, बाकी का मुझे नहीं पता। तो ऑल माइट इसे अपनी पावर देता है, उसके एक तरीके समझो उसे उत्तराधिकारी चुनता है अपनी पावर का, क्योंकि ऑल माइट कभी उसके पास भी पावर नहीं हुआ करती थी। वंस फॉर ऑल ये जो एक पावर उसकी उस पावर का नाम है, वो तो किसी ने और नहीं दी थी। अब वो अपनी पावर डेकू को देता है, और अब डेकू जो है वो यूए हाई स्कूल में जाता है, वहां पर अपनी पावर कंट्रोल करना सीखता है। अब इसके सामने जो चुनौतियां आती हैं, उसके सामने प्रॉब्लम आती है, वो सब चीजें इस एनिमे सीरीज या इन एनिमे मूवीज में दिखाई गई है। और अब इस टीजर में जितना दिखाया गया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे टीजर स्टार्ट होता है तो इसके अंदर एक इंसान ये कहता है कि जिनके पास जो पावर है क्या वो मानवता की भलाई के लिए आए हुए हैं, और साथ ही साथ फिर यहां पर एक न्यूज दिखाई जाती है जिसमें डेकू को यह बताया जाता है कि ये एक अपराधी है, इसने बहुत ज्यादा लोगों की डेथ की है, मतलब हत्या की है। और फिर 3 जो करेक्टर हमारे सामने निकल के आते हैं, एक होता है बाकुगो, फिर डेकू, और फिर तीसरा जो है वो शोटो। इनकी जो कॉस्ट्यूम जो एक नए तरीके के सामने हमारे सामने निकल गई, जो काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी। बस इतना ही था इसके बारे में जो टीजर में दिखाया गया। फिर मैंने इसके बारे में थोड़ा बहुत सर्च किया तो पता चला कि भाई साहब इनकी थोड़ी बहुत कहानी जो रूमर्स हैं उन्होंने थोड़ी बहुत वहां से निकाली है। अब मैं क्लेम नहीं कर रहा हूं कि यही कहानी होने वाली है, जितना मैंने पढ़ा है मैं आप लोगों को बता देता हूं। एक ग्रुप है वो ये मानता है कि जो जिनके पास जो पावर है आने वाली फ्यूचर जनरेशन के साथ जब ये मिलेंगे, मिक्स होंगे, तो उनकी पावर भी बढ़ेगी, जिससे इंसानियत को खतरा होता चलेगा। और वो इस पावर को एक बीमारी के तौर पर देखने लगते हैं, और वो कहते हैं कि इस बीमारी को जड़ से खत्म करना होगा और इन लोगों को मारना होगा, या मतलब खत्म करना होगा, क्लीन करना होगा, ये सब वो बताते हैं। और वहां पर ये क्या करते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर बॉम्ब फिट कर देते हैं, और बॉम्ब फिट करने के बाद लोगों की हत्या होनी स्टार्ट होती है। फिर यूए हाई स्कूल से हेल्प मांगी जाती है, वहां से ये 3 बच्चे निकलते हैं, साथ में जो है इंडेवर, जितना मैंने पढ़ा था कि इंडेवर के साथ ये निकलेंगे। अब इंडेवर और ये 3 बच्चे जाते हैं एक कंट्री के अंदर, वहां पर ये लोगों को बचाते हैं बम को, मतलब इतनी ही सिर्फ इंफॉर्मेशन देने को दी, मतलब पढ़ने को मिली थी। खैर इसके बाद क्या होता है ये सब चीजें पता चलेंगी 6 अगस्त को, जब ये इस मूवी को रिलीज किया जाएगा जापान में। अभी हाल फिलहाल देखो इसका जो ट्रेलर या टीजर रिलीज किया गया है वो जापानीज लैंग्वेज में किया गया है, नीचे जो है इंग्लिश सबटाइटल थे, इंग्लिश डब में इसका कोई ट्रेलर नहीं आया या फिर टीजर नहीं आया। आने वाले टाइम में मे भी वो रिलीज कर दें, या फिर जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आप लोगों को पता चल जाएगी। तो अगर आप लोगों ने ये टीजर देखा और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, या आप कितने एक्साइटेड हैं, प्लीज कमेंट करना कि आपको कैसा लगा, आप कितने एक्साइटेड हैं वगैरह वगैरह। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।